जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत नियम महत्व के बारे में, पूजन विधि के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव का पूजन किया जाता है, साथ में माता पार्वती और शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव का जो पूजन किया जाता है वह प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का होता है और इसी दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जो कि इस समय प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर अपना कृपा बरसाते हैं। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है तो उस दिन के व्रत को करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अगर हो तो उस दिन के व्रत को करने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो उस दिन के व्रत को करने से सभी कामना सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत के प्रभाव से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्रवार का प्रदोष व्रत किया जाता है। अगर शनिवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्थित गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर वहां पे स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प ले करके इस दिन सुबह के वक्त और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में यानी कि शाम के समय में भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। और जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो साथ में माता पार्वती और शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 11:38 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को त्रयोदशी तिथि की समाप्ति जो कि रात्रि 8:03 पे है। तो हमें प्रदोष व्रत के लिए जो प्रदोष व्यापनी समय प्राप्त हो रहा है वह समय 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। उस दिन सूर्योदय का जो समय होगा सुबह 6:30 और सूर्यास्त शाम 5:53 पे। तो 18 फरवरी को प्रदोष का व्रत किया जाएगा, शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन के प्रदोष व्रत करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और 18 फरवरी को इस बार जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है क्योंकि 18 फरवरी दिन शनिवार को इस दिन महाशिवरात्रि व्रत भी रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत जो कि प्रदोष व्यापनी के अनुसार रखा जाता है और महाशिवरात्रि का व्रत जो कि निशिता मुहूर्त के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन। तो इस बार जो कि प्रदोष का व्रत और महाशिवरात्रि का व्रत एक ही दिन पर रहा है तो यह बड़ा ही अच्छा संयोग है। इस दिन भगवान शिव का अगर पूजन करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन ही कहा जाता है कि भगवान शिव का इस दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। तो इस दिन भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, रात्रि जागरण आदि का कार्य करें और अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद प्रदोष व्रत का पारण किया जाता है।
अगर आप सब विशेष प्रकार से महाशिवरात्रि व्रत के बारे में जानना चाहते हो या उस दिन के पूजन का क्या समय होगा तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रदोष व्रत के दिन 18 फरवरी को पूजन के लिए जो समय होगा भगवान का, सूर्यास्त शाम 5:53 पे है तो सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच के समय में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तो पूजन के लिए समय शाम 4:53 से शाम 6:52 के अंदर ही आप भगवान शिव का इस समय प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। प्रदोष व्रत के दिन 18 फरवरी को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 9:21 से सुबह 10:46 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। प्रदोष व्रत के दिन योग जो कि व्यतिपात योग होगा शाम 7:35 तक, उसके बाद वरियान योग होगा। नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 5:42 तक, उसके बाद श्रावण नक्षत्र। इस दिन भगवान शिव के पूजन के लिए जो कि विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए, अगर भगवान शिव का जो कि मंदिर में अगर देवालय में जाकर के भगवान का पूजन करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर घर पे अगर आप भगवान शिव का पूजन कर रहे हो तो घर पे भी पूजन कर सकते हैं। पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा के आसन का प्रयोग करके उस पे बैठना चाहिए। कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जो कि विघ्नहर्ता है और प्रथम पूजनीय भी है, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। उसके बाद भगवान शिव के पूजन में सबसे पहले नंदी देव का पूजन करना चाहिए। तो भगवान गणेश के पूजन होने के बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करें। फिर उसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जो कि जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। इस दिन महाशिवरात्रि का दिन है तो इस दिन चाहे तो आप अलग अलग वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। जैसे कि दूध, दही, शक्कर, मध यानी कि शहद और घी, इन वस्तुओं से अलग अलग अभिषेक करें। गन्ने के रस से भी भगवान शिव का इस दिन अभिषेक करें तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होगा। फिर पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को जो कि सफेद वस्त्र चढ़ाएं और माता पार्वती को लाल वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करें। भगवान शिव को जो कि तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें, तुलसी पत्र के जगह भगवान शिव को जो कि तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है तो भगवान शिव को तुलसी मंजरी चढ़ाएं। शमी पत्र चढ़ाएं, बिलपत्र, भांग, धतूरा, धतूरा फूल आदि अर्पित करें। मंदार की माला आदि भगवान शिव जी को अर्पित करें। भगवान शिव को जब भी आप बिलपत्र चढ़ाते हैं तो 3 पत्ते वाला बिलपत्र हो, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। बिलपत्र भगवान शिव को अगर श्रद्धा पूर्वक अर्पित करते हैं इससे 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। आप चाहे तो इन मंत्रों के द्वारा भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करें, इससे व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो भी बन पाए, ऋतु फल हो या दूध से बने हुए मिष्ठान आदि हो तो भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें, यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। इस दिन महाशिवरात्रि का दिन है तो महाशिवरात्रि व्रत का भी कथा श्रवण करें, भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करें या श्रवण करें। इसके बाद फिर भगवान शिव जी की आरती करें। उसके बाद निराजन करके भगवान शिव का जब भी आप परिक्रमा करते हैं तो आधा ही परिक्रमा करनी चाहिए, पूरा परिक्रमा भगवान शिव जी का नहीं किया जाता है। भगवान शिव जी को जो आप जल अर्पित करते हैं
उस जल को जहाँ से जल बह रही हो उस जल को लांघना नहीं चाहिए। इसी कारण से भगवान शिव का जो कि आधा परिक्रमा किया जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव जी का इस दिन पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करें, इससे प्रदोष व्रत का साथ में महाशिवरात्रि का भी पुण्य फल प्राप्त होगा और भगवान शिव जी जो कि नाम से भोले हैं और ऐसे देव हैं कि जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो इस दिन भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जब भी आप व्रत रखते हो तो व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान जो कि भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करें। जहां तक हो सके भजन कीर्तन करते हुए ही समय को व्यतीत करना चाहिए और मौन धारण जहां तक हो मौन धारण करके रहना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।